हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है आप, और क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो जरा देखिए, मैं पहले फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऊपर ड्रॉ की हुई है, मैं थोड़ी और बड़ी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। 5 और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाया इन्होंने। हम समझाएंगे आपको अभी, आसान है क्वेश्चन। 5 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 10 वोल्ट हमें निकालना है। टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द अरेंजमेंट। चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब जरा एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो नेगेटिव से कनेक्टेड ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव से ये वाली पॉजिटिव एक साथ हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, और इधर वाले की ये प्लेट पॉजिटिव। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से चलने के बाद ये, अब देखिए यहाँ तक कोई भी अदर डिवाइसेस बीच में नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट सर्किटेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ से, इसके मतलब दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ हैं। और नेगेटिव पे देखिए, आपको यहाँ पर जो नेगेटिव है ये दोनों प्लेट एक साथ हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब दोनों पॉजिटिव प्लेट साथ साथ हों, नेगेटिव साथ साथ हों कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डिवाइस लगी हुई नहीं है। ऐसे ही आप इसको ऐसे यहाँ की बजाय यहाँ जोड़ सकते, यहाँ जोड़ सकते, यहाँ जोड़ सकते, यहाँ जोड़ सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो देखने से अपीयरेंस का हमें फ़र्क लगता है। तो ज़रा देखें इसमें हम क्या चेंज कर सकते, नोटिस करें, हम इस फिगर को रिड्रॉ कर रहे हैं, आप समझेंगे। C1 C2 नाम दे देता हूँ जानबूझ के मैं, जिससे समझ में आ जाएगा हम कौन सा बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं। ये C1 और अब देखिए इस पॉइंट को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, एक ही चीज़ है यहाँ पर, कोई कनेक्शन के बीच में ना कोई गैप है, ना ही कोई बैटरी है, ना ही कोई अदर कैपेसिटर है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किटेड बोलते हैं इसको हम। तो ये आपका यहाँ जोड़ दिया मैंने, और ये वाला जो है ये वायर हमने, ये वाला ये ऑलरेडी यहाँ पर है। इसे समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ड्रॉ को बना, इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये तो आपका C1 हुआ, ठीक, ये आपकी बैटरी हुई, यहाँ तक का क्लियर। अब ये वाला पॉइंट जो है वो मैं यहाँ रखा हुआ है, और ये अपनी जगह पे ही है, नो प्रॉब्लम। तो ये फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए उसे मैं कैपेसिटर को चाहे यहाँ दिखा दूँ, वो छोटा वायर आपको ऐसा लग रहा है ये यहाँ कैसे आ गया, अरे भैया जब हम इसको ऐसे करेंगे सीधा तो ये आपका यहाँ दिखेगा। अब इसे मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ, इसके साथ तो पैरेलल में ही होगा ना, तो इसे आप समझिएगा बस फॉर सेक ऑफ योर कन्वेंस। मैंने आपको यहाँ लगाया समझाने के लिए, अच्छा रहेगा, इजी टू एक्सप्लेन होगा। ये C2 हुआ, ये 6 माइक्रोफेरेड और ये आपका 5 माइक्रोफेरेड। अब जरा देखें, तो बहुत इजीली देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। तो मैंने इस फिगर को रीड्रॉ किया समझाने के लिए, इसी का आपको ध्यान रखना होगा। बहुत थोड़ा सा वो यहाँ से ऐसे, यदि हम इसको यहाँ जोड़ देते तो एक ही बात थी, यदि हम इसको यहाँ जोड़ देते तो एक ही बात थी। तो हमने इसको यहाँ जोड़ लिया, ये हुआ। तो क्वेश्चन को फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाता हूँ और आपके लिए सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो टोटल कैपेसिटर कितना हो रहा है यहाँ पे, कैपेसिटेंस कितना हुआ, C=C1+C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट्स इक्वल टू 5+6 11 माइक्रोफेरेड, और V कितना है,
10, तो कितना चार्ज हुआ आपका? Q इक्वल टू सी वी, डेट इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रोफेरेड के लिए, तो 110 10 टू पावर माइनस 6 कूलम या फिर 110 माइक्रो कूलम। तो बैटरी से इतना चार्ज सिस्टम को चला जाएगा। दिस इज अ सॉल्यूशन और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक एंजॉय करेंगे वो आपने।